तो ये है मेरे पास Realme 12 Pro Plus स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन का बैक डिजाइन देखोगे दिखने के अंदर कितना ऑसम लग रहा है। और स्मार्टफोन में आपको पता है Realme UI 5.0 Android 14 देखने को मिल जाता है, जिस वजह से स्मार्टफोन में आपको बहुत सारे हिडन फीचर और ट्रिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अडोप्ट कलर सिस्टम वाले फीचर, कैमरा के अराउंड लाइटिंग इफेक्ट वाले फीचर, 2024 के अंदर AI वाले फीचर भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जनरेटिव फील वाला फीचर, कलर पिकिंग वाले फीचर, जो उसके बारे में आई थिंक आपको नहीं पता होंगे। जी हाँ, अगर आप Realme 12 Pro Plus स्मार्टफोन ले रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिएगा। और वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप एक ही बात बोलोगे, वीडियो को देखने के बाद तो मजा आया। तो अब करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले फीचर की बात करो तो वो आपको देखने मिलता है स्मार्ट साइड बार 3.0 वाला फीचर। जी हां, आई थिंक इसका नाम आपने सुना होगा, लेकिन इस फोन के अंदर आपको नेक्स्ट लेवल का ही देखने को मिलता है, जिसके लिए जाना पड़ेगा आपको मोबाइल की सेटिंग के अंदर, और यहां मिलेगा स्पेशल फीचर का ऑप्शन। नीचे के स्क्रॉल करने पर यहां पर मिलेगा स्मार्ट साइड बार वाला फीचर, इसको जाके आप जैसे ही एनेबल करोगे तो यहां पे फोन के यहां पे राइट साइड में एक शॉर्टकट एनेबल हो जाएगा, और इस शॉर्टकट पे आप जैसे ही ड्रैग करोगे तो यहां पे मिलेगा फाइल डॉक वाला फीचर। अब ये फीचर काफी इंटरेस्टिंग है, अभी यूज करके दिखाता हूं। जैसे कि यहां पे मैं 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेता हूं, और इस स्क्रीनशॉट में प्रेस एंड होल्ड करके इसको फाइल डॉक में ऑटोमेटिक यहां पे सेव कर दूंगा, ऑटोमेटिक यहां पे पॉपअप आएगा, और चाहे तो फाइल डॉक में गैलरी वाली फोटो भी यहां पे ऐड कर सकते हो। मान लीजिए ये मेरे को फोटो करनी है, इस पे प्रेस एंड होल्ड करूंगा और इस पे प्रेस एंड होल्ड वापस करूंगा, और यहां पे ऑटोमेटिक पॉपअप आएगा और इसमें सेव हो जाएगा, और फाइल डॉक के अंदर ऑटोमेटिक सेव होती रहेगी। अब इस फाइल डॉक में देखेंगे जो भी आपने फोटो सेव की यहां पे ऑटोमेटिक आती रहेगी। अब इसका यूज क्या देख सकते हैं, मान लीजिए आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, आपके बहुत सारी फोटो आपको गैलरी में ढूंढ के फाइंड करके वहां पे आप इस फाइल डॉक में सेव कर सकते हैं, और वहां पे डायरेक्टली उसको यहां पे आप सेंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको नोट्स के अंदर ही दिखाता हूं, नोट्स के अंदर है, और नोट्स के अंदर यहां पे जाके फाइल डॉक पे और प्रेस एंड होल्ड करके, और यहां पे जो भी मैंने फोटो सेव की थी यहां से ड्रैग करके उठा के यहीं पे ला सकता हूं, है ना, काफी इजी हो जाएगा। देख सकते हैं, वापस प्रेस एंड होल्ड करता हूं तो यहां पे ये ऐड होती रहेगी। इसी प्रकार से इन सारी फोटो को आप व्हाट्सएप पे किसी को सेंड करना चाहते हैं, या और भी कोई ऐप है उस पर सेंड करना चाहते हैं, इस फाइल डॉक की मदद से कर सकते हैं। और फाइल डॉक के अंदर आप टेक्स्ट भी यहां पे सेव करके रख सकते हैं, और भी मल्टीपल यहां पे चीजें आप सेव करके रख सकते हैं। और नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो वो आपको देखने मिलता है AI वाला फीचर। अब 2024 का जमाना चल रहा है और AI का फीचर भी इसमें देखने को मिल जाता है। इसके लिए यहां पे मैंने गैलरी एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, और मान लीजिए मेरे पास कोई फोटो है, उस फोटो के अंदर से बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो AI की मदद से आपको करके दे सकता है। मान लीजिए फोटो के अंदर से ये बैकग्राउंड को रिमूव करना और ये ऑब्जेक्ट आना चाहिए, प्रेस एंड होल्ड करूंगा तो यहां पे देखते हो ऑटोमेटिक एक पॉपअप आएगा, और ये देखते हैं बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। और चाहे तो यहां पे देखते हैं मैं कॉपी करके व्हाट्सएप इसको पेस्ट भी कर सकता हूं, देखते हैं इस प्रकार से सेव हो जाता है PNG के फॉर्मेट में। यहां पे देख सकते हैं मैं प्रेस एंड होल्ड करता हूं तो यहां पे देखते हैं बैकग्राउंड सारा रिमूव हो चुका है। तो प्रेस एंड होल्ड करके यहां पे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, जिस जो कि AI की मदद से ये करता है। और नेक्स्ट चीज भी AI की मदद से करता है, आपको दिखाता हूं क्या करता है। जैसे कि मान लीजिए और भी मेरे पास कोई फोटो है जिसके अंदर कुछ आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको आपको हाइड करके दे सकता है। जी हां, जैसे कि मेरे पास ये व्हाट्सएप वाला स्क्रीनशॉट है, एडिट पर मैं क्लिक करता हूं और यहां पर स्क्रॉल करता हूं तो हमें मिलेगा पिक्सलेट का ऑप्शन। जी हाँ, पिक्सलेट के अंदर एक ऑटो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और ऑटो के अंदर ही ऑटोमेटिक स्कैन करेगा इस फोटो को, और यहाँ पे जो भी इसको हाइड करना लगेगा सही वो ऑटोमेटिकली इसको हाइड कर देगा। जैसे कि ये देखते हैं यूजर इसने नेम हाइड कर दिया ऑटोमेटिकली, ये अपना दिमाग लगाता है और उसके मदद से इसको ये हाइड कर देता है ना, काफी इंटरेस्टिंग चीज ये। अभी आप सोच रहे हो AI वाले फीचर बस इतने ही देखने को मिलते हैं, नहीं भाई साहब, और भी फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, जैसे कि इसके लिए भी आपको गैलरी एप्लीकेशन को ही ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास एक फोटो है, इस फोटो में चाहता हूँ कि ये ईयरफोन ये दो है इसमें से एक गायब हो जाए, मतलब ईयरबड्स गायब हो जाए, तो इसके लिए यहां पे एक इरेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जी हां, इरेज का ऑप्शन पहले भी था, लेकिन अब देखते हैं ये कि मदद से ना ये इरेज नहीं करेगा, उसको ऑटोमेटिक फिल कर देगा। जैसे कि मैं यहां पे इसको कर देता हूं पूरा, और यहां पे देखते हैं इसे कर दिया, एक दो बार ही करोगे ना, जैसे कि दूसरे टाइम में पूरा उसको फिनिश कर देगा। देखते ऑटोमेटिक इसने उसे फिल कर दिया और पता भी नहीं लग रहा है यहां पे एक ईयरबड्स था, तो ये देखते हैं AI की मदद से ये कर देता है। नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो वो आपको देखने मिलेगा मोबाइल की सेटिंग के अंदर। जैसे मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाता हूं और नीचे स्क्रॉल करता हूं, यहां पे मिलेगा रियलमी लैब वाला फीचर, और यहां पे आप देखोगे हॉट रेट वाला भी फीचर देखने मिल जाता है, हॉट रेट मेजर करके दे सकता है ये फोन, अभी आपको दिखाता हूं। जैसे कि ये चीज है, और यहां पे मैं देखते हैं प्रेस एंड होल्ड करूंगा तो ये 1 से 1.5 मिनट तक अपने हाथ को स्टेबल रखोगे और उसके बाद ये आपको रिजल्ट देगा। अब ये कितना एक्यूरेट है ये तो नहीं पता, लेकिन हां इसके अंदर हॉट रेट वाला फीचर जरूर से आपको देखने मिल जाता है, इसका यूज करना चाहते हैं डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट फीचर की बात को तो वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है स्पेशल फीचर के अंदर, जी हां, जिसका नाम है स्प्लिट व्यू का फीचर। अक्सर आपने सुना होगा कि 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सभी फोनों में पाया जाता है, लेकिन इस फोन के अंदर इसको आप ऑन करोगे ना तो यहां पे देखते हैं किसी किसी एप्लीकेशन पे सपोर्ट करता है, जैसे कि क्रोम में सपोर्ट करता है, यहां पे नीचे की ओर से 3 फिंगर से मैं स्वाइप करूंगा तो स्प्लिट स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे यहां पे प्ले स्टोर यहां पे ऐड करना है, जिसकी प्ले स्टोर मैंने ऐड किया तो एक साथ मैं दो दो एप्लीकेशन का यहां पे यूज कर रहा हूं, है ना, काफी इंटरेस्टिंग। और यहां पे मैं इसको चाहे तो स्वैप भी कर सकता हूं, तो आपकी मर्जी, स्वैप करना है कर सकते हैं। और एक चीज तुम आपको बताना भूल ही गया, ये भी इसी रिलेटेड फीचर देखने को मिलता है स्प्लिट स्क्रीन जैसा ही। जी हां, जैसे कि यहां पे मेरे पास ये एप्लीकेशन है और चाहे तो मैं इसको यहां पे प्रेस एंड होल्ड करके यहां पे ड्रैग करूंगा ना तो ये फ्लोटिंग विंडो
के अंदर ओपन हो जाएगा छोटी स्क्रीन के अंदर। और यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे साइज को यहाँ पे रिसाइज भी कर सकता हूँ, यहाँ पे लार्ज करना चाहता हूँ और कैंसिल करना चाहता हूँ, यहाँ से आप कर सकते हो। तो आई थिंक आपको पता नहीं होगा तो मैंने सोचा आपको बता दिया, कई लोगों को हो सकता है इस कार्य के बारे में पता हो, तो ठीक है यार पता हो। तो नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूँ तो वो आपको देखने मिलता है यहाँ पे क्यूक लॉन्च वाला फीचर। अब इस फोन के अंदर आपको पता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। आप देखते हैं मैंने ऑलरेडी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेट किया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रेस एंड होल्ड करने के बाद भी मुझे प्रेस करके रखना है और यहाँ पे काफी सारे जो एप्लीकेशन है इनको क्यूक शॉर्टकट में ओपन कर सकता हूँ भाई, ठीक है। और यहाँ पे एप्लीकेशन को आप चेंज कर सकते हो एडिट के अंदर जाके, तो आपको करना है तो डेफिनेटली जो आपकी रेगुलर एप्लीकेशन ज्यादा यूज होती है उसको क्यूक लॉन्च के अंदर आप ऐड करके रख सकते हैं। और नेक्स्ट मैंने स्मार्ट साइड बार के बारे में आपको पहले ही बताया था, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया लेकिन अभी अच्छी तरीके से नहीं बताया। यहाँ पे स्वाइप करूंगा तो यहाँ पे काफी सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है जहां से यहाँ पे मैं फ्लोटिंग विंडो के अंदर इसको ओपन कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने किया तो यहाँ से भी इसको मैं ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिल जाती है, चाहे तो इसके एडिट के अंदर जाके जो एप्लीकेशन आपकी ज्यादा यूज हो रही है यहाँ पे भी आप ऐड करके रख सकते हैं। होते हैं ना काफी सारी एप्लीकेशन आपको फाइंड करनी पड़ती है, लेकिन जो ज्यादा यूज होती है इसमें ऐड करके रख लीजिए और आपको ज्यादा फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट फीचर की बात करो तो वो आपको जस्ट इसके नीचे देखने मिलता है जिसका नाम है सिंपल मोड वाला फीचर। अब ये फीचर क्या है, इसमें आप जैसे ही एंटर कर दोगे तो आपको डरना नहीं है, ये आपका मोड फोन सिंपल मोड में चला जाएगा, मतलब आपका फोन इजी टू यूज बन जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा फंक्शन नहीं होंगे, अगर आपको किसी को देना है उसको ज्यादा फोन यूज करना नहीं आता तो सिंपल मोड में उसको एंटर करा के उसको फोन को दे दीजिए, आपके फोन के साथ वो ज्यादा छेड़खानी नहीं कर पाएगा। तो ये फीचर आपको देखने मिलता है सिंपल मोड वाला फीचर, नाम से ही आपको समझ आ रहा है, तो फिलहाल के मैं एग्जिट कर देता हूं। और नेक्स्ट फीचर की बात करो तो वो आपको देखने मिलता है मोबाइल की सेटिंग के अंदर और यहाँ पे मिलेगा बैटरी का ऑप्शन। जी हां, बैटरी के ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे दो नए ऑप्शन देखने मिलते हैं, एक तो स्मार्ट चार्जिंग का फीचर। अगर स्मार्ट चार्जिंग का फीचर आप यूज करते हो, जैसे कि आपको लग रहा है मैं फोन को लंबे समय के बाद लेने आऊंगा, फोन ज्यादातर लंबे समय तक चार्ज में लगे रहेगा, तो ये फोन की चार्जिंग को स्लो कर देगा, स्लो आपका फोन चार्ज होगा जिसके आपकी बैटरी हेल्थ पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे मिलेगा स्टॉप चार्जिंग 80%, जब भी आपके फोन के अंदर 80% बैटरी होगी तो उससे ऊपर ये जल्दी से जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाता है, आपको लगता है कि मैं रात को लगा के सो जाऊंगा तो यहाँ पे आपकी बैटरी हेल्थ खराब नहीं होने देगा जल्दी से, तो इस फीचर का डेफिनेटली आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूं तो वो आपको देखने मिलता है यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर। जी हाँ, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर जाओगे तो यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो इस फोन के अंदर ऐप लॉक का फीचर भी देखने मिल जाता है, हाइड ऐप वाला फीचर भी देखने मिल जाता है, और एक फोन के अंदर आपको डबल फोन यूज करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी, इसी के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये कई लोगों को पता नहीं होता इसलिए मैंने आपको बता दिया, कई लोग बोलेंगे इस फीचर के बारे में तो मैं ऑलरेडी पता था लेकिन हाँ आपको मैं बता रहा हूँ बस। नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूँ तो वो आपको देखने मिलता है ऐप्स के अंदर और यहाँ पे मिलता है रिकवर सिस्टम ऐप का फीचर। जी हाँ, बाय मिस्टेक आपका कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है तो यहाँ से इसको रिकवर भी कर सकते हैं और इस फोन में ऐप क्लोन का फीचर भी देखने को मिल जाता है। एक फोन में डबल व्हाट्सअप यूज करना है, डबल फेसबुक यूज करना है, डेफिनेटली आप कीजिए यार। और एक चीज आप कीजिए, नीचे लाइक बटन मिलेगा उसको आप प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और नेक्स्ट फीचर की बात करूँ तो वो भी आपको सेटिंग में नहीं देखने मिलता, मुझे खुद को ही नहीं पता। हाँ जी हाँ, आपको देखने मिलता है आपके होम स्क्रीन के अंदर। जी हाँ, मैं जाता हूँ होम स्क्रीन पर जाने के बाद यहाँ पे गैलरी के अंदर, मान लीजिए ये मेरे को वॉलपेपर सेट करना है लेकिन इसके अंदर भी आपको फीचर देखने को मिल जाता है जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। मोर सेक्शन पे जाइए और सेट एज वॉलपेपर पे मैं क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे एक बल्ब का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस बल्ब पे आप जैसे क्लिक करोगे ना स्कैन कर रहा है भाई साहब फोटो को, और स्कैन करने के बाद जो भी इस फोटो के अंदर कलर यूज हुआ है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको वॉलपेपर लाके देता है, जिसका इस फीचर को आप कलर पिकिंग वाले फीचर भी बुला सकते हो। तो ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ और भी मस्त फीचर की जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा मोबाइल की सेटिंग के अंदर और यहाँ पे मिलेगा वॉलपेपर एंड स्टाइल का फीचर। नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो इस फोन के अंदर एज लाइटिंग का फीचर भी देखने को मिल जाता है, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो एज किस कलर में ब्लिंग होनी चाहिए वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने मिलता है फिंगरप्रिंट एनिमेशन। फिंगरप्रिंट का एनिमेशन किस टाइप में होना चाहिए, इस टाइप में या इस टाइप में या इस टाइप में, बोर हो रहे हो चेंज करते रहो यार। नेक्स्ट फीचर की बात को तो यहाँ पे देखने मिलता है क्यूक सेटिंग का फीचर, ये आपको किस शेप में चाहिए इसका भी शेप चेंज कर सकते हो भाई। ये देखते इस शेप में हो चुका है, अगर इस शेप में करना है तो इस शेप में हो जाएगा। फिलहाल के लिए मुझे यही करना है यार, आपको करना है तो कर सकते हो। और यहाँ पे कलर का फीचर भी देखने मिल जाता है, सेटिंग के कलर को आप चेंज करो भाई, जो भी आपको कलर रखना है तो ये इस प्रकार से रख सकते हैं जो कि थोड़ा इस टाइप में हो चुका है, ग्रीन टाइप में, और यहाँ पे भी देखने मिल जाएगा। और साथ में वॉलपेपर में जो कलर यूज किया गया उसको भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं फर्स्ट वाला यूज करता हूँ क्योंकि इससे फोन कलरफुल चलता है, पूरी रंगीनियाँ भरी रहती है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको देख मिलेगा आइकन्स। जी आइकन के शेप को आप चेंज कर सकते हो, जो भी आपको शेप चाहिए। स्टाइल आप चेंज करते रहो यहाँ पे बोर हो जाओगे, लेकिन यहाँ पे कस्टम में जाओगे ना तो एक नया फीचर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा अडोब सिस्टम कलर का फीचर, ये देख सकते हैं आपका जो आइकन का कलर है किस टाइप में इसने कर दिया भाई साहब, अलग ही लेवल का ये कर देता है। तो ये आपको देखने मिलता है अडोब सिस्टम कलर का फीचर। और वीडियो देखते देखते इतनी लंबी हो चुकी है लेकिन एक चीज मैं आपको बताना भूल ही गया। जी हाँ, यहाँ मैं मान लीजिए आपको आइकन
का फोल्डर है, इस आइकन के फोल्डर पर प्रेस एंड होल्ड करोगे तो यहाँ पे इनलार्ज फोल्डर का भी ऑप्शन देखने मिल जाएगा। इनलार्ज करोगे तो आपका फोल्डर इनलार्ज हो जाएगा, जैसे कि आईफोन में देखा है ना कुछ इस टाइप में होल्डर हो जाते हैं, तो कुछ इस टाइप में आप यहाँ पे उसको इनलार्ज कर सकते हो। और नेक्स्ट फीचर की बात करो तो वो आपको देखने मिलता है मोबाइल की सेटिंग के अंदर, और इस फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाओगे तो यहाँ पे जाऊंगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर, तो यहाँ पे काफी सारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप क्रिएट करना चाहते हैं वो कर सकते हो। यहाँ पे स्केच टैप में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चाहिए, अपनी फोटो को क्लिक करके आपका स्केच बना के आपका खुद का यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे एक और देखने मिलता है ओमोजी वाला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहाँ कोई भी ओमोजी वाला आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चाहिए और यहाँ पे आप कर सकते हो। उनको कस्टमाइज वगैरह भी करना चाहते हो डेफिनेटली आप कर सकते हो, है ना, काफी इंटरेस्टिंग। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं इसमें खुद का भी आप क्रिएट कर सकते हो, टेक्स्ट वाला या टेक्स्ट एंड इमेज वाला। आप यहाँ पे खुद का मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे जो भी आपको फोटो लगानी है खुद की तो वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास फोटो है तो ये वाली फोटो मैं लगा देता हूँ, और देखते हैं कुछ इस टाइप में ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्रिएट हो जाएगा खुद का। अभी यहाँ पे कैमरा के अराउंड रिंग लाइट को एनेबल करेंगे ना, उसके बाद आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक इसका किस टाइप में देखने को मिलता है, और भी मजे आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम यहाँ पे रिंग रिंग, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च कीजिए रिंग रिंग, तो काफी सारी एप्लीकेशन आपके सामने आएगी, तो ये वाली एप्लीकेशन आपको अपने फोन के अंदर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाए, डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन करनी, ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, जो कि आ रहा है भाई साहब लोड ले रहा है। फिर स्टार्ट पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑन पे क्लिक करोगे, परमिशन मांग सकता है शुरू में, तो आप यहाँ पे दे देना। और उसके बाद यहाँ पे कैमरा के अराउंड इसको खुद को आपको सेट करना पड़ता है, और कलर आपको खुद चूज करना पड़ता है कौन से कलर का आपको रिंग लाइट चाहिए, और इसको अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, मैं डायरेक्टली करके दिखाता हूँ। और फाइनल लुक देख सकते हैं कुछ इस टाइप में आपको देखने मिलता है, रिंग लाइट प्लस यहाँ पे आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, देखने के अंदर कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। लेकिन एक बात आपको बता दूं, जब इसको आप इंस्टॉल करोगे तो हो सकता है आपके फोन में ये हैंग भी कर सकता है, लैग भी कर सकता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऐसा क्रिएट कर सकते हो, ये भी दिखने के अंदर काफी अच्छा लगता है अगर आपके फोन में ऐसी प्रॉब्लम हो तो। यही कुछ आपको फीचर देखने मिलता है रियलमी 12 प्रो प्लस के अंदर, हिडन फीचर और ट्रिप्स एंड टिप्स। आई होप आज वीडियो पसंद आई, पसंद आए तो लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।